इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सुन रही हूं। इस वक्त की अपडेट की बात करें तो हमारे रिपोर्टर मंदसौर से लक्ष्मीशंकर धाकड़ हमें ये रिपोर्ट दे रहे हैं। दरअसल मंदसौर जिले में मंगलवार को सुबह अचानक हुई बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। यहाँ मंदसौर की कृषि उपज मंडी में उपज लेकर आए किसानों के पूले में पड़ी सारी फसलें गिरी हुई, जिससे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई की फसलों पर पानी गिरने के कारण उनकी फसल उगने लगी। और वहां मौजूद किसान ने बताया कि मेरे प्याज 3 दिन पहले मैं मंडी में बेचने के लिए लाया था, लेकिन सुबह अचानक बारिश होने से सारे प्याज गिरे हो गए। वही प्याज में पौधे अंकुरित हो गए, जिससे किसान को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। किसान ने आरोप लगाया कि मंडी में अव्यवस्था के कारण हमारी फसलों में नुकसान हुआ है। इस सबका बड़ा बेटा आप जान रहे हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर मंदसौर से ललिशंकर धाकड़ हमें जानकारी दे रहे हैं। मंडी प्रशासन द्वारा मंडी की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। और आपको बता दें कि इसमें मंदसौर मंडी में मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, आगरमालवा सहित कई जिलों के किसान अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं, और इसमें मंडी प्रशासन की व्यवस्थाओं के चलते कई बार किसानों को परेशान होना पड़ता है। वही इस मामले में क्या कहना है किसानों का, आप खुद सुनिए। पलौना से आया हूँ सब, और ये प्याज लेकर के आया था परसों के दिन, और ये बारिश होने से प्याज के अंकुरे चल गए, उगना शुरू हो गए। परसों दिन बाहर डाले थे, उनने बोला यहाँ नीलाम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अंदर डाले, 650 रुपये दे करके अंदर डाले। 35 क्विंटल प्याज है मेरा, 2 ढेर हैं ये पन्नी वाले, बारिश में गीला होकर बिगड़ गया है। 20 क्विंटल के करीब प्याज है, कल लेके आए और खाली करा, और अभी तक जो है नीलाम नहीं आई। पानी के वजह से जो है व्यापारी माल नहीं खरीद रहे हैं, माल गीला हो गया।